यस मैम, कर सर। लिया। चलिए यस ठीक मैम, हो है। गया। एप्लीकेशन ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन, नहीं ये नहीं करेंगे, पहली करेंगे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम करेंगे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। तो ये क्या है, या फिर ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इन न्यूक्लियस, या इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, कुछ भी लिखा आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का पार्ट नहीं हो सकता है, ये प्रूव करिए, ठीक है। तो हम इसको कैसे लेके चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का पार्ट है, ठीक है, वहां से इसको लेके चलेंगे, फिर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, और इसके जो प्रूव करने के तरीके हैं हर बुक में अलग अलग मिलेगा, कहीं पे जैसे मैं आज करा रही हूँ काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी के टर्म्स में मिलेगा, कहीं पे काइनेटिक एनर्जी को बीटा रे से कंपेयर करके करा होगा, कहीं पे वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपेयर करा होगा कि कितनी वेलोसिटी आती है इसकी, तो फिर नहीं हो सकता है कंट्रडिक्शन करके, ठीक है, किसी से भी कर लीजिए, हमें फाइनली ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का पार्ट नहीं होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के पार्ट होते हैं। तो मैं जिस मेथड से करा रही हूँ इस मेथड को हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, सेम ऐसे ही हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए करेंगे, आपको कहाँ चेंज करना है आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास लेके कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं, जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लेके करेंगे, तो खुद डिफरेंस पता लग जाएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का पार्ट क्यों हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का पार्ट क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, इफ An electron, if an electron is present, यही आता है कि प्रूव करिए इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इन न्यूक्लियस, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ रेडियस 10^-14 मीटर। अब न्यूक्लियस की रेडियस मतलब पूरा यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है ना इलेक्ट्रॉन, तो पूरा अगर हम बात करें तो डायमीटर की अनसर्टेनिटी हो जाएगी, देन द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन, वे न्यूक्लियस से बाहरी तो ऑर्बिट में होता है, न्यूक्लियस के अंदर तो कहीं पे भी हो सकता है, तो इफ इलेक्ट्रॉन इज द प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियस ऑफ 10^-14 मीटर, देन मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन इज गिवन बाय पोजिशन इज गिवन बाय द डायमीटर of the nucleus that is 2×10^-14 meter. Now according to Heisenberg uncertainty प्रिंसिपल डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4π, तो अगर पोजिशन में अनसर्टेनिटी है तो मोमेंटम की एग्जेक्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। हमने क्या किया है यहाँ पे, पोजिशन की अनसर्टेनिटी ले ली है, तो यानी मोमेंटम हमारा सर्टेन एक्यूरेटली आएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4π × Δx, ये क्योंकि हम इसकी मैक्सिमम अनसर्टेनिटी लेके चल रहे हैं, किसकी, डेल्टा एक्स की, तो ये मिनिमम हो जाएगी, तो ये मिनिमम का मतलब क्या है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करिए, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, फिर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए p² / 2m से,
और रेस्ट मास एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए E इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर से, फिर कंपेयर करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी को. तो पहले मोमेंटम कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है. हम 0.47 × 10⁻²⁰. 47 तो नहीं आ रही है, मुझे याद है 2 से आती है, मैंने खुद कैलकुलेट कर रखी है. रुकिए पेपर देखती हूँ जहाँ निकाल रखा है. हाँ ये आती है आपकी 2.68 × 10⁸. हाँ 2.8 भी है वो. मैंने यहाँ पे देखिए मैं बता देती हूँ किसकी वैल्यू क्या रखी है. मैंने H लिखा है 6.63 × 10⁻³. इसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा. 4 × 3.14 और डेल्टा X है हमारा 2 × 10⁻¹⁴. ये वैल्यू मैंने पुट किया है तो मेरा ये आ रहा है 2.6 × 10⁻²⁰ kg मीटर पर सेकेंड. ये मेरा क्या आ गया, मोमेंटम आ गया. इससे मैं आप क्या करूंगी, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट. हाँ वो यहाँ से राउंड ऑफ का फर्क पड़ जाएगा ना, मैंने 6.63 लिया है, आपने 6.265 लिया होगा तो उससे चेंज हो जाएगा, या 6.6 लोगे तो अलग हो जाएगा, तो उतना चेंज चलेगा. ठीक है आगे फिर इसे करते हैं. अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, p² / 2m. तो हम ऑलरेडी पी की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, वो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा 2.6 × 10⁻²² और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³. तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करिए, ये आपका जूल में आएगा, उसको फिर ईवी में लिख लीजिएगा. कितना ईवी आ रहा है मुझे बता दीजिएगा, ईवी आ रहा है कि एमईवी आ रहा है. फिर रेस्ट मास एनर्जी कैलकुलेट करिएगा, रेस्ट मास एनर्जी कितना होता है, एम नॉट सी स्क्वेयर. एम होता है 9.1 × 10⁻³, सी 3 × 10⁸ स्क्वेयर, यहाँ से ये जूल में आ जाएगा, फिर उसको ईवी में लिखेंगे. सेम जैसा यहाँ पे कर रहे हैं सेम ऐसा ही हम प्रोटॉन के लिए करेंगे. ठीक है ये हम इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं, सेम ऐसा ही आप प्रोटॉन के लिए करेंगे. मैम हाँ तो आपको मैं फिर कुछ बताऊंगी कि क्या स्क्रीन तो सामने आ रही है, दिख रहा है. नहीं मेरे मतलब कर्सर हिल नहीं रहा है मेरे में, थोड़ी देर नेटवर्क का इशू होगा, वेट कर लो आ जाएगी. काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी p² / 2m होती है, वैल्यू रखिए, p की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके, इलेक्ट्रॉन के लिए m पता होता है. काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करिए, फिर रेस्ट मास एनर्जी कैलकुलेट करिए, रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर होती है. तो दोनों मुझे कैलकुलेट करके बताइए क्या होती है. तो मैं एक चीज बता रही हूँ, स्टेटमेंट बता रही हूँ, उससे आप पता लग जाएगा आपको कि कौन सा पार्टिकल न्यूक्लियस में रह सकता है, कौन सा पार्टिकल न्यूक्लियस में नहीं रह सकता है. अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और रेस्ट मास एनर्जी कम है तो पार्टिकल न्यूक्लियस का पार्ट नहीं हो सकता है, और अगर पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी कम है तो पार्टिकल न्यूक्लियस में रिसाइड कर सकता है, क्योंकि ये जो मोमेंटम हमने निकाला है ये न्यूक्लियस के लिए निकाला है. तो जो हम आगे ड्राइव कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, वो न्यूक्लियस के लिए निकाल रहे हैं कि न्यूक्लियस में इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी अगर वो उसका पार्ट है तो. ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करिए, रेस्ट मास एनर्जी 3.7 × 10⁻²⁰. यस मैम जूल में आ रही है ना, मुझे ईवी में बताइए क्या करेंगे ईवी में चेंज करने के लिए. 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड कर देंगे. ठीक है मैम जूल में कितने आ, जूल में देखिए जो हाँ जी जो बोल −12 ठीक बोल रहा है, बिल्कुल सही है, सबकी यही आ रही है है ना. तो ये आ रही है 3.714 × 10⁻¹² जूल. फिर इसको आप किससे डिवाइड करेंगे, 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड करेंगे तो ये आपका ईवी में पता लग जाएगा कितना हो रहा है.
3 into 10 to the power 7 मैम 2.32 into 10 to the power 7 ठीक है सबका ये आ रहा है और इसको अगर हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 23.2 MeV ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन की अब रेस्ट मास एनर्जी और निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉन का 8.19 into 10 to the power 14 मुझे ऐसे याद नहीं है मुझे तो लास्ट का आंसर याद है कि 0.5 MeV आती है मैम 8.19 into 10 to the power minus 16 आ रही वो 16 आ रही यस मैम 8.1 into 10 to the power minus हाँ मैम यही आ रही है 8.19 into 10 to the power minus 14 14 है अब इसको अब इसको यहाँ पे डिवाइड करिए 1.6 into 10 to power minus 19 और ये आपका आएगा 0.5 MeV मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ है ना वो मल्टीप्लाई में आएगा 10 to power 6 जो है तो ये इतना आएगा अब मुझे देख के बताइए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है कि रेस्ट मास एनर्जी ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी है ना तो हम इसको अगर काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी के टर्म्स में बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस का पार्ट है तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए बट अभी हमने जो कैलकुलेशन की फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर कि इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है सो इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस और इसको अगर हम और दूसरे जो बाकी बुक्स में एक्सप्रेशन है वहां पे कैसे कर रखा है वहां पे कर रखा है ये आपने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लिया हम जो न्यूक्लियस से बीटा रेज निकलती हैं उसकी एनर्जी होती है 4 MeV तो उससे कंपेयर करते हैं कि जो न्यूक्लियस से बीटा रे निकलती हैं उसकी एनर्जी होती है 4 MeV क्योंकि वो वहां से पार्ट था वहां से एग्जिस्ट हुआ और लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है इतनी तो यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का पार्ट नहीं हो सकता कि इसकी एनर्जी वहां पे ज्यादा है और वहां से जो बीटा निकल रहा है उसकी तो कम है एक और है जिसको हम वेलोसिटी की टर्म्स में करते हैं मोमेंटम आ गया मोमेंटम इक्वल टू लिखेंगे P equal to mv वहां से v कैलकुलेट कर लेंगे वो हमारा ऑलमोस्ट लाइट की वेलोसिटी के बराबर आएगा तो हम कहेंगे इतनी लाइट से ज्यादा किसी की वेलोसिटी नहीं हो सकती इसकी वेलोसिटी ज्यादा आ रही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का पार्ट नहीं हो सकता क्योंकि इतने मोमेंटम के साथ इतनी वेलोसिटी होगी है ना तो हम किसी से भी प्रूव कर सकते हैं फिलहाल हमने इससे कर लिया क्योंकि हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए भी आसान हो जाता है इससे ना प्रोटॉन में क्या होगा जब प्रोटॉन के लिए कैलकुलेट करोगे तो वहां पे रेस्ट मास एनर्जी ज्यादा आएगी काइनेटिक एनर्जी कम आएगी तो ये करने के बाद अब आप प्रोटॉन के लिए स्टार्ट करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस सेम जैसे ही डेरिवेशन किया है वैसे ही करना है तो पीछे लिखा हुआ है कॉपी कर सकते हो यहाँ पे आके चेंज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी के टर्म्स में तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे इफ एन इलेक्ट्रॉन If an electron is a part of nucleus, it has more rest mass energy than काइनेटिक एनर्जी क्योंकि अगर किसी पार्टिकल को कहीं पे रहना है तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए अगर मेरे को किसी लोकेशन पे लोकलाइज करना है तो वहां पे रेस्ट मास एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो मैं वहां से निकल जाऊंगी वहां नहीं रह पाऊंगी है ना पार्टिकल के साथ ये कंस्ट्रेन है तो एक पार्टिकल इज अ पार्ट ऑफ सम रीजन और रेजिस्टेंट पार्टिकल है इट शुड ऑलवेज पोसेस हायर रेस्ट मास एनर्जी देन काइनेटिक एनर्जी देयरफॉर फ्रॉम द अबव वी कैन से और वी कैन कंक्लूड इलेक्ट्रॉन इज not to be a part of nucleus. ठीक है ये मैंने
इलेक्ट्रॉन के लिए करवा लिया है, अब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लिए करिए, और मुझे फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी बताइएगा। तो इसे करने के बाद हेडिंग डाल लीजिएगा सेकंड, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। एग्जिस्टेंस 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 ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। तो अगर आपने ये नोट कर लिया तो मैं पीछे वाली स्लाइड में चली जाती हूँ, आप ही हेडिंग चेंज कर लेती हूँ। ओके मैम, नोट कर लिया। ठीक है, इसी में यहीं पे कर लेती हूँ, उसकी सिर्फ हेडिंग चेंज कर लेती हूँ, है ना, यहाँ से फिर आगे चेंज कर लेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग सेम यही है, बस आगे जाके हेडिंग हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। और स्टार्ट करें, कैसे करेंगे, लेट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, is present in nucleus of radius 10 to power minus 14 meter, then the maximum uncertainty in position is same here, 2 into 10 to power minus 14 meter, according to Heisenberg uncertainty principle, momentum calculate कर लेंगे कितना आएगा प्रोटॉन के लिए, सेम यही आएगा यहाँ पे, तो क्योंकि H M रखा नहीं है, सेम यही है, तो सेम यही वैल्यू आएगी, है ना, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो 2.6 into 10 to power minus 21, काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी चेंज होगी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए प्रोटॉन, तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा पी इक्वल टू आ रहा है आपका 2.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 21, ठीक है, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी के आ जाएगी आपकी पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर 2.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 21, मास 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27, मैम 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, नहीं भाई, अच्छा मैंने तो उसमें कैलकुलेट कर रखी है ना, नहीं तो भी ये नहीं आ रही है, क्या कर रहे हो तुम मैम, जूल में कितनी आ रही है, 2.2 into 10 to the power minus 15, जूल में आ रही है 2.1 10 to the power minus 15, 0.11 into 10 to the power minus 15, minus 15 जूल। अब इसको EV में भी बताइए कितना आ रहा है, वन पॉइंट थ्री टू इंटू टेन टू द पावर फोर, यस मैम 1.3, देखिए सबका यही आ रहा है क्या, यस मैम, यस मैम का यही आ रहा है, तो ठीक है ईवी में लिख देती हूँ, अगर इसको एमईवी में लिखना है तो एमईवी में ये हो जाएगा 0.3
0.0132 MeV. ठीक है, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई. नाउ रेस्ट मास एनर्जी. रेस्ट मास एनर्जी, और रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर. प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू, अच्छा मास 6 लिखा था हमने, सॉरी तो 6 ही ले लीजिए, 1.67 होता है वैसे तो, 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 सी 3 इंटू 10 टू पावर 8 स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे चाहे 1.67 से कर लीजिए. बताइए कितना आ रहा है. मैम 15 into 10 to the power minus 11. 15.40. एक्चुअली मुझे ईवी में बताइए, क्योंकि मुझे ईवी में आंसर इसका याद है कि 900 समथिंग आता है ना. ईवी में एक बार बता दीजिए कि वो कितना है. मुझे ऐसे जूल में आंसर याद नहीं है, फिर मुझे कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, नहीं तो लाइव कर ही देती हूँ आपके साथ. 1.67 into मैम 9.3 into 10 to the power, ये 9, ये 27 है कहीं. मैम 9.3 into 10 to the power 10 to power कितना? ये तो आता है 1.5 into 10 to power minus 10 है ना. नाइन पॉइंट थ्री नाइन इंटू 10 टू पावर 8 आ रहा है. यस मैम 8. ये आपका आ रहा है 9.3 into 10 to power 8. ठीक है, या सॉरी 6 हो जाएगा, मैंने इधर वो लगा दिया ना डेसिमल. हाँ, अगर मैं इसको ये लिख रही हूँ 8 तो 9.3938. ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं 9.3 MeV. ठीक है, अब मुझे बताइए कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है कि रेस्ट मास एनर्जी ज्यादा है. देखिए मोमेंटम दोनों के लिए सेम था, ज्यादा रेस्ट मास ज्यादा हो गई है ना, और काइनेटिक कम है. मैम तो मैं एग्जिस्ट हो गई है, तो यानी कि ये न्यूक्लियस का पार्ट हो सकता है, एग्जिस्ट करेगा न्यूक्लियस में. हाँ ठीक है, वो हमें पता भी है और हमने प्रूव भी कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस का पार्ट नहीं हो सकता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के पार्ट हो सकते हैं. देखिए दोनों के लिए, तीनों के केस में जो मोमेंटम था तीनों का सेम था, लेकिन क्योंकि मास तीनों का अलग अलग है तो उस मोमेंटम की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी रेस्ट मास एनर्जी अलग अलग. काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो गई. यस मैम. हाँ, काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी दोनों अलग हो गए क्योंकि मास अलग है, जबकि मोमेंटम दोनों केस में तीनों केस में सेम ही आ रहा है. तो इसकी वजह से हम ये कह पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का पार्ट है. एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और टू एप्लीकेशन में इसमें एक साथ लिख रही हूँ. कौन सी टू एप्लीकेशन है? रेडियस, और ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रेडियस ऑफ, जैसे इलेक्ट्रॉन वाली बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है. रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. ठीक है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट की वैल्यू आपको वैसे पता भी होगा, अब हमें वो वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, है ना, जो वहां पे हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि ये वैल्यू होती है. ऐसी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू भी आपको पता होती है कि क्या होती है,
बट अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखानी है यूजिंग हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो दोनों का स्टार्टिंग सेम था, तो दोनों को मैंने दोनों इन एप्लीकेशंस को मर्ज कर दिया, क्योंकि दोनों में हम क्या करते हैं टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. बोर रेडियस में क्या करेंगे, जो टोटल एनर्जी है उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर और इक्वेट टू जीरो कर देंगे, तो आर आ जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट बोर फर्स्ट रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट हो गया. और बाइंडिंग एनर्जी में क्या करते हैं, जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है उसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, जो भी कांस्टेंट है जो भी है, फिर रिजल्ट आ जाता है कि हमारी बाइंडिंग एनर्जी है. तो दोनों का प्रोसेस सेम है, क्योंकि दोनों में हमें टोटल एनर्जी एक साथ करनी है, तो मैंने इसलिए दोनों को मर्ज कर दिया इक्वेशंस को, इन दोनों को. तो स्टार्ट करते हैं. नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट, वी नो Heisenberg, we know Heisenberg uncertainty principle. We know that Heisenberg uncertainty principle, delta x delta p greater than equal to h upon 4 pi है, equal to 2 pi है ना, 4 pi से तो greater है ही, लेकिन equal to h upon 2 pi. Therefore, uncertainty in momentum delta p is equal to h upon 2 pi delta x. And momentum of electron p, अगर uncertainty, देखो मैंने बताया अभी था, अगर इसमें maximum uncertainty होगी तो यहाँ पे minimum uncertainty होगी, तो यानी कि exact value के बराबर होगा. तो p equal to delta p, की वैल्यू है हमारी आ गई है h अपॉन 2 पाई डेल्टा x, मैक्स लिख देते हैं. काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m, और p की वैल्यू हो गई h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर डेल्टा x स्क्वायर इनटू 2m. ठीक है, अगर यहां तक नोट कर लिया है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड कर लेती हूँ. अगर r हम रेडियस मान रहे हैं हाइड्रोजन एटम की, तो डेल्टा x को हम r से रिप्लेस कर सकते हैं. क्योंकि ऑर्बिट में तो रेडियस के अकॉर्डिंग चलेगा, पूरी ऑर्बिट में तो ऐसे मूव नहीं कर सकता ना इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस में तो हमने 2d इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन जब हम ऑर्बिट की बात करते हैं तो ऐसे चलेगा सिर्फ ऑर्बिट में, है ना, तो बीच में नहीं आ सकता है, तो इसलिए अनसर्टेनिटी आर हो जाएगी कि ये चीज तो फिक्स हो गई. तो अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स इक्वल टू आर, अगर आपने यहां तक लिख लिया तो मैं नेक्स्ट स्लाइड कर लेती हूँ. क्या किया, सेम जैसे अब तक कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज किया, डेल्टा पी डेल्टा एक्स, अब हमने इक्वल वाला ले लिया, इक्वल एच अपॉन 4 पाई क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए. फिर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एच अपॉन 2 पाई डेल्टा एक्स, मोमेंटम हो जाएगा पी टू डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी, काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर बाय 2m, वैल्यूज पुट कर दी. ठीक है, अब यहां से इसको आगे करेंगे, अगर ये नोट कर लें तो मुझे बता दें, फिर मैं इसको आगे कर लूं. मैम डन, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखिए. इफ आर इज द रेडियस, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम
then delta x is equal to r. Therefore, kinetic energy equal to h square over pi square r square 2m. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलो अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं. द पोटेंशियल एनर्जी, ये तो हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली. द पोटेंशियल एनर्जी वी, या यू से डिनोट करते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी वी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू Coulomb force of attraction with proton, proton nucleus में है ना, is equal to V equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2, तो electron का QE, proton का E upon R, 1 upon 4 pi epsilon naught minus, यहाँ बाहरी ले लेती हूँ, minus E square upon R, V आ गया. ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, E equal to काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 2m माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है, तो अब देखिए क्या है, अगर ये बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन होता तो आप एच पाई आर एम की वैल्यू पुट करते, आपका बाइंडिंग एनर्जी ई आ जाता, कितना बाइंडिंग एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम के अंदर. ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग ही रेडियस की वैल्यू रखते. और रेडियस के लिए क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या करिए, पहले इसको डिफरेंशिएट करिए. ग्राउंड स्टेट के लिए हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, टोटल एनर्जी मस्ट बी मिनिमम, तो कंडीशन फॉर मिनिमम एनर्जी डी बाई डी आर इक्वल टू जीरो. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में और इक्वेट टू जीरो कर देंगे, तो हमारी फर्स्ट बोर रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आर की वैल्यू आ जाएगी. इक्वेशन वन कर लिया था या वन ही है ये, ठीक है, तो यहाँ तक अगर नोट कर लें तो बताइएगा. फिर हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे. अगर आप बाइंडिंग एनर्जी आ रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, रेडियस आ रहा है तो पहले आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो फॉर ग्राउंड स्टेट, फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम टोटल एनर्जी मस्ट बी मिनिमम. द कंडीशन फॉर मिनिमम एनर्जी टीई by dr equal to zero. So T upon dr और E है हमारा h square upon क्या था, 4 pi था ना, h square upon 4 pi r square, पाई स्क्वायर भी था, एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 2m माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
स्क्वायर अपॉन आर, इसको डिफरेंशिएट करिए इक्वेट टू जीरो करके मुझे आर की वैल्यू कैलकुलेट करिए, है ना, यही था, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करिए और मुझे आर की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए क्या आ रही है आप लोगों की इतने में। मैम चलिए मैं लिखती हूँ, आपको खुद पता लग जाएगा सही है कि नहीं। एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई ई स्क्वायर एम, ये है वैल्यू। और मुझे कृष्णा ने भेजा है, कृष्णा ने बिल्कुल ठीक भेजा है, कृष्णा आपका बिल्कुल ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे इस वाली क्वांटिटी को तो ये आर माइनस टू हो जाएगा, आर की पावर माइनस टू, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आर की पावर माइनस थ्री हो जाएगा, तो ये डिफरेंशिएट करके आएगा टू एच स्क्वायर, बाकी तो सारे कॉन्स्टेंट ही है हमारे, फोर पाई स्क्वायर टू एम, ये तो कॉन्स्टेंट है, आर का डिफरेंशिएशन हुआ तो माइनस, ठीक है, प्लस प्लस नहीं लगा रही हूँ, ये आर ऊपर जाएगा माइनस वन होगी, माइनस का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को ऐसे ही लिख लेते हैं ई स्क्वायर, और आर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस इधर हो जाएगा और आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब इनको इक्वेट इक्वल टू जीरो रखा हुआ है तो दोनों इधर उधर हो जाएंगे, तो टू एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर टू एम आर क्यूब इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल कर दीजिए, जैसे फोर से फोर कैंसिल हो रहा है, पाई से ये स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और यहाँ टू से ये टू कैंसिल हो जा रहा है, बाकी आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कैंसिल हो जा रहा है, जो बचे उसको लिख के ये आपका आर आ जाएगा। देखिए तो कैंसिल करते हैं यहाँ पे, पहले मैं कलर चेंज कर देती हूँ जिससे पता रहे कि ये कैंसिल आउट किया है, ठीक है। तो इस टू से ये टू कैंसिल, इस फोर से ये फोर कैंसिल, इस पाई से ये स्क्वायर कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल, इस आर स्क्वायर बचेगा खाली यहाँ पे, तो अब ये बचेगा हमारा एच स्क्वायर अपॉन पाई एम इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से ये आर, ठीक है, तो आर इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये टर्म आएगी, ठीक है, तो सबका आर आ गया। तो अब आर में क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, तो यहां से क्या करेंगे, ये वाली टर्म इधर चली जाएगी और ये वाली टर्म नीचे जाके होके आर लिखा जाएगा, तो आर सबका आ गया है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई ई स्क्वायर एम, यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दी थी, एच की वैल्यू रखेंगे 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए क्लिक कर रहे हैं कैलकुलेट, तो 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, सब वैल्यूज कैलकुलेट करके मुझे आर कैलकुलेट करके बताइए। 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 अपॉन 3.14 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 स्क्वायर और 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, ये सब वैल्यूज करके आर कैलकुलेट करके बताइए। हाँ, 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर। और इसको 10 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। देखो आपने जो वो रेडियस पढ़ी होगी यही वैल्यू पढ़ी होगी, तो सेम वही आ रही है, ठीक है, दिस इज द सेम वैल्यू एज ऑब्टेन फ्रॉम बोर्स थ्योरी। जिसका नहीं आ रहा है दोबारा कैलकुलेशन चेक करें, दिस वैल्यू इज द सेम एज द ऑब्टेन बाय बोर्स थ्योरी। तो हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी हमने वही वैल्यू कैलकुलेट की जो बोर्स थ्योरी से हम लिखते हैं,
फिर अब क्या करेंगे, ये वैल्यू आ गई. अब मैं क्या कहना चाह रही थी आपको बाइंडिंग एनर्जी के लिए कि R इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम यानी कि मीटर में रखते ही वैल्यू, तो आप वहां से बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो सारी वैल्यूज पुट करके इक्वेशन वन में. इक्वेशन वन में आप सारी वैल्यूज पुट करिए तो टोटल एनर्जी आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी. तो यहाँ तक कैलकुलेट कर लीजिए जिसका नहीं हुआ है, और फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ. वहां पे हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी इक्वेशन वन में सारी वैल्यूज पुट करके मुझे ई कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है ना. पुट द ऑल वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट इन इक्वेशन वन और ई कैलकुलेट करके बताइए. चलिए तो अब क्या करेंगे, नाउ put the all values in total energy यानी कि equation वन में. ठीक है, तो क्या थी equation वन, लिख देती हूँ एक बार. e square था हमारा h square upon 4 pi square r square 2m माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर. तो यहाँ पे सारी वैल्यूज रखनी है. तो एच की वैल्यू होती है 6.6 इनटू 10 टू पावर माइनस 3, लिखना है तो 3 लिख लेना. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. 4 स्क्वायर 4 3.14 स्क्वायर आर है हमारा 0.53 into 10 to power minus 10 meter into 29.1 into 10 to power minus 31. ये तो पहली वैल्यू हो गई. माइनस 1 upon 4 pi epsilon naught की वैल्यू डायरेक्ट आती है 9 into, अगर अलग अलग ना भी लिखें तो ये आती है. R का वैल्यू 10 to power minus 11 था ना बेटा, वो 5.3 था ना, 5.3 into 10 to power minus 11 meters. So, मैंने 0.53 लिखा है. Yes, ma'am. Yes. Okay. 1.6 into 10 to power minus 19 square upon 5.3. अगर 5. देखो यहाँ पे मैं 5.3 लिख रही हूँ. अब मर्जी है 5.3 into 10 to power minus 11 लिख लीजिए, 0.53 लिख लीजिए. अब एक साथ लिख दूँ ना, लेकिन 5.3 into 10 to power minus 11 meter रख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं. हमें तो आंसर चाहिए फाइनल. 0.53 into 10 to power minus 10. ठीक है, तो पहले इसको जूल में कैलकुलेट कर लीजिए, इसको जूल में कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, फिर ईवी में बता दीजिए मुझे. पहले वाले का क्या 2.16 आ रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके का आ रहा होगा. 10 टू पावर माइनस 18 जूल माइनस. हम दूसरे वाले का 4.34 इनटू 10 टू पावर माइनस 18. ठीक है, 4.3 इनटू 10 टू पावर माइनस 18. इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और जो आंसर आए उसको ईवी में चेंज कर दीजिए. अच्छा वैसे तुम्हें किसी को याद है कि फाइनल आंसर हमें क्या चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है हाइड्रोजन एटम में? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी होती है, 13.6 या 13. आप ऐसे ही पढ़ते हैं, मेरी जो आ रही है फिलहाल 13.73 आएगी. माइनस में आएगा ये आंसर, कितना आ रहा है माइनस 2.2. हाँ ठीक है, 2.2 10 टू पावर माइनस 18 इसको जूल में है ये हमारा. 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे तो ईवी में आ जाएगा हमारा 13 पॉइंट. अब जो भी आपका अगर ये आंसर आ रहा है तो ये आएगा आपका. ठीक है, ईवी तो याद हो हम ऐसे ही एक्सप्रेशन पढ़ते थे 13.5. ठीक है, तो द अबव इक्वेशन, हाँ 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से इसको डिवाइड कर देते हैं. So the above equation, the above value of ground state energy is also obtained. Bohr's theory से same ऐसे ही expressions निकलता है.
the above value is same as obtained by Bohr's theory. तो यहाँ पे मैंने दो एप्लीकेशन को कंबाइन करके एक कर दिया, बाइंडिंग एनर्जी और फर्स्ट फोर ऑर्बिट, है ना। तो आप इसको अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो। बीच में हमने जो रेडियस वाला पार्ट है, अगर हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो रेडियस वाला पार्ट स्किप कर देंगे, डी बाई डी आर का क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब ये जो पीछे वाली प्रीवियस वाली स्लाइड है हमारी, ये गायब हो जाएगी अगर खाली बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे, बाइंडिंग एनर्जी का आ जाएगा। खाली फर्स्ट बोर ऑर्बिट पूछ रहा है तो फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड यूज करेंगे, थर्ड स्लाइड यूज नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग है कि क्या पूछा जा रहा है, और ऐसे ही बोल रहा है कि कोई भी दो एप्लीकेशन दो, तो इन्हीं दो एप्लीकेशन को दो बार लिख सकते हो, और बता दिया कि कब कौन सा पार्ट स्किप करना है। ठीक है,